संपूर्ण नागपुरात उत्साहाचं वातावरण असताना लोक रामभक्तीत तल्लीन असताना वकील संघटनेकडून सत्र न्यायालयासमोर प्रदर्शन करण्यात आलं. ईव्हीएम हटाव लोकतंत्र बचाव याच्या विरोधात हे आंदोलन करण्यात आलं. वकील संघटनेकडून सांगितलं की लोकांना जागृत करण्यासाठी हे आंदोलन केल्या गेलं आहे. क्या है जनता जनता सोई हुई है ऐसा मुझे लग रहा प्रतीत हो रहा है. और मुझे लगता है कि जो जनता रास्ते पे खड़ी हुई है वो दूसरी जनता को जगाना चाहती है. और राजनेता चाहे वो किसी भी पक्ष के हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. और यह लोकतांत्रिक देश है और जनता जो चाहेगी उसी के हिसाब से न्याय व्यवस्था और राजकारण चलना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर नेताओं के हिसाब से चलना चाहिए. जनता चाहती है कि बैलेट पेपर आना चाहिए तो बैलेट पेपर आना चाहिए. जनता चाहती है कि ईवीएम पे वोट हो तो ईवीएम चलेगा. बट जनता मोस्ट ऑफ द जनता ये सोच रही है कि ईवीएम में झोल है, इसलिए जो राजनेता है अपनी मनमानी कर रहे हैं. तो मेरा यह सुझाव है कि जनता को सहयोग किया जाए और जनता की आवाज़ को उठाया जाए और जनता के कहने के हिसाब से ही बैलेट पेपर लाया जाए. क्या है, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए तो एक वकील वर्ग ही है जिसने समाज को एक दिशा दी है. और वकील